अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोग को अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों अभी मतलब 6 बज के ऊपर हो रहा है, मगरिब का अजान पढ़ चुका है और मैंने नमाज पढ़ लिया है और बाबू को लेके अभी खेल रही हूँ। बाबू को मतलब बाबू के साथ खेलने के बाद अब बाबू को सुलाने का टाइम हो चुका है, शाम का मतलब थोड़ा बाबू सोएगा 1-2 घंटे, तो उसके बाद बाबू उठेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आप लोग का शेयर करते हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए बाबू। अच्छा हमको सिखा रही है। तो जी ये देखिए जनाब, अभी अभी नींद से उठे उनको, अभी भी उनको बस ही आ रहे हैं, मतलब उनको अभी भी सोना है, इनका नींद कभी पूरा नहीं होता है। देखिए कैसे हंस रहे बाबू। तो दोस्तों हम माँ बेटे अभी उठ चुके हैं, तो बाबू उठते ही क्या क्या मैंने आप लोगों को दिखाना है, ये देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बाबू ने सुसु ऑलरेडी कर दिया, तो मैंने अभी ये नीचे फेंकनी है इधर। क्या बोला तूने? बाद में बाथरूम में फेंकूंगी। और अभी मैंने ये निकाल लिया है, तो अभी बाबू को ये पहनाना है और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों का शेयर करूंगी। अच्छा इधर ले जाओ आप। क्या हो गया? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू। ये है मेरा चंदा, मेरा आँखों का तारा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि नीचे था, मैंने मतलब ये नंगू पुंगू है ना, तो YouTube में तो नंगू पुंगू अलाउ नहीं है बच्चे, और तो इसलिए मैंने नीचे करके ये किया। अच्छा चलो चलो आओ। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है, बाबू की बड़े पापा ने दिया है खाने की चीज है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो कहीं पे गए थे शिरनी है, उन्होंने लाया, तो ये देखिए मैंने ना ये शाम को खानी थी, तो बाबू को सुलाया ना, तो मैंने बाबू के साथ सो गई थोड़ी देर क्या बहुत देर, बाबू जितना सोया मैं भी उसके सो गई, क्योंकि ना कल रात को, आज रात तो ये ब्लॉग कल जाएगा, तो हाँ कल रात को ना मैं पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था, मैं तो सीरियल देखे ही जा रही थी और मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे अपना नींद पूरा नहीं हुआ, तो अब बाबू के साथ मैं सो गई शाम को। और अभी वक्त टाइम हो रहा है 9 बज रहा है रात का, और ये देखिए ये दिखानी है आप लोगों को मुझे, ये ना अभी मैं गर्म करके खाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ये क्या है, शिरनी में पुलाव ही है, क्या होगा आप लोग भी समझोगे क्या बोले जा रही है। बाबू खड़ा होगा मुझे पकड़ के, ये आपके खाने की चीज़ नहीं है बाबू, नहीं है। A few moments later. सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बतानी है कि हम लोग माँ बेटे फ्रेश हो चुके हैं, मुंह धो के आ चुके हैं, मुंह हाथ धो के आ चुके हैं, नींद से उठे तो मुंह हाथ धोना चाहिए ना। और आप लोगों को एक बात बतानी है मैंने कि मैं शाम को जब सोई ना, तब मैंने खाना रात का खाना वाना बना के ही सोई थी बाबू को लेके, मतलब मेन बात मुद्दा तो था बाबू को सुलाना, तो गलती से मैं सो गई क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था ना कल, तो मैंने आप लोग को बोला, तो इसीलिए। और बाबू क्या कर रहा है देखिए, मेरी ताबीज़ खा रहा है, तो ऐसा कर। दोस्तों यह है मेरे लिए मीट, चिकन फ्राई किया हुआ, और इधर ये दूध, इधर तो बाबू का सब्जी, और मैंने बोला ना ये सोयाबीन भुना मैंने। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, मतलब ससुर जी ने और मम्मी जी ने खा लिया है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बचा है, आप लोगों को थोड़ा सा ही लगेगा क्योंकि ये थोड़ा ही है मेरे लिए, है काफ़ी है मेरे लिए। और इधर है ये चावल। दोस्तों मैं यहाँ पर जो श्रीनी है मतलब बाबू के बड़े पापा ने दिया है, वो गर्म करने वाले, गर्म करके खाऊंगी अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो पॉलीथीन था ना वो मैंने गोल करके काट लिया है, इधर डालना है, गरम करना है, उसके बाद मैंने खाना है, आप लोग भी खाइएगा मेरे साथ।
पुलाव ही है तो एक बात है ना, उससे करने से तो कोई मतलब गंदा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं इससे ही कर रही हूँ। ये गर्म हो चुका है, मैं इसको उतार लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। खाना मैं जब बना रही थी और जो भी काम कर रही थी ना, तो बाबू इधर चुपचाप बैठा हुआ था यहाँ पे इस मुड़े पे। तो मेरा बाबू इतना समझदार है ना, इतना छोटा सा बच्चा है 10 साल का, और मेरे मतलब समझता है कि मेरी मम्मी काम कर रही है तो मुझे इसे चुप बैठना है, और मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। शायद मच्छर ने काट दिया। बाबू इधर किसने काटा, मैं देखू, मम्मी देखू, मच्छर ने काटा मेरे बाबू को। नहीं आ रही आपको, खाना खा के सो जाओगे फिर से। और मैं पसीना पसीना हो गई, मैं तो फैन नहीं है ना, तो अभी थोड़ा सा फिलहाल काम खत्म हो गया। बाबू का खाना बना लिया मैंने, अपना पुलाव गरम कर लिया, तो अभी जाएंगे रूम पे फैन के नीचे वहां पे जाके। और दोस्तों मैंने आपको एक और चीज दिखानी है, रुकिए। देखिए ये जो है ना पूरा बिखरा हुआ है, मैं यहाँ पे रखती हूँ रोजाना के कपड़े, क्योंकि बाहर रहकर धूल लग जाता है। तो ये देखिए कैसा मैसी सा हो गया ना, ये मेरा कॉलेज का बैग, इधर ये मैं छोटा छोटा सा बैग, और ये बैग सब मैसी सा हो गया। तो मैंने सोचा कि ना मेरे बाबू का कपड़ा भी इधर उधर कैसे कैसे, जब मतलब चीजें जरूरत होती है बाहर कहीं जाने वाले तो नहीं मिलता है। ये देखिए पूरा खराब हो चुका है। मुझे ऐसे मतलब डिसऑर्गेनाइज कपड़े रखना या कुछ भी रखना बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये अभी भी है जितना हुआ मैंने रखा, पर ये गंदा हो चुका है। तो मैं सोच रही थी मेरा कपड़ा तो ठीक है, बाबू का कपड़ा बहुत छोटा छोटा है ना, तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास, मैं आप लोगों से ऑनेस्टली बोलूंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं मतलब ये बचत के पैसे है जो मैं रखती हूँ, मतलब जब कभी बहुत ज्यादा ही काम आ जाएंगे, रात को 12 बजे 1 बजे किसी के पास पैसे नहीं मिले तब काम आएंगे, तो मैं वही इस्तेमाल करूंगी। तो ये मेरे पास अभी है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं है मेरे पास, तो ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। और मैंने सोचा कि इस नाप का ऐसा जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं एक टोकरी है ना वो ले लूंगी, तो इधर टोकरी लगा दूंगी, बाबू का कपड़ा ऐसे ऐसे रख दूंगी तो मिल जाएगा कैसे, ऐसे मैं समझूंगी कि बाबू का कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ, उठाऊंगे बाबू को पहनाऊंगी। अभी तो नहीं मिलेगा कहाँ पे बाबू का कपड़ा रखा है, कहाँ पे मेरा रखा है, बहुत मैसेज हो गया ना। और ये ना मैंने ये जब भी ठीक करना है आप लोगों के साथ ही करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ काम करने से हिम्मत मिलता है, और आप लोग मेरे दोस्त ना दोस्तों इसलिए। तो दोस्तों मैंने ये जब ठीक कर लिया ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक, तब मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आप लोगों के साथ ही करनी है। और इधर भी ये देखिए पूरा मैसेज हो चुका है, अभी जाने के बाद अभी का पूरा कपड़ा उधर से, मैंने बोला ना उधर से मैंने इधर शिफ्ट किया, अभी धूल लगेगा तो जितना उन्होंने ले गए जो बाकी है मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ये बाबू का नीचे जो उस दिन धोया था ना, ये दूसरा दिया है बेड के नीचे, तो ये रखा इधर, और ये एक्स्ट्रा पिलो इधर रखा है, तो ये भी अच्छे से सेट करना है, आप लोगों के साथ ही सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बाबू इधर क्या कर रहा है, उम्मा 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 क्या होगा बाबू, ये प्यार आपने गिरा दी। ये देखिए दोस्तों बाबू ने ये प्यार गिरा दी ना, तो मुझे बोल रहा था कि उम्मा उम्मा मम्मा मुझे लेके दो, अभी तो ये खराब हो गया। ओ जी लो जी तुसी सुनो जी, दोस्तों मैं तो मजाक कर रही थी। क्या बोला तूने? मैं अभी यहाँ पे खाना लेने आई थी, तो मेरे साथ मैं दिखा दू, पहले दिखा दिया मैंने, मतलब क्या, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या खाना है आज रात को। तो ये देखिए मैंने खाना ले लिया और मैं टेबल पे जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और बाबू को रूम पे छोड़ा है, तो बाबू खेल रहा है, नहीं गिरेगा बाबू, खिलौना देके छोड़ा है। मैं जाऊंगी बाबू के पास जल्दी से, फटाफट से खा लेती हूँ। दोस्तों मैं चावल और सब्जी जो मैंने आप लोगों को नहीं खाया, मतलब सब्जी नहीं, सोयाबीन भुना हुआ, तो ये मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग शेयर कर दो, तो कुछ नहीं करना है, अगर कुछ करेंगे तो आप लोग शेयर कर दो।
तो दोस्तों मैंने खाना वाला सब खा लिया है और बाबू को फ्रेश करा दे, मैं भी फ्रेश हो गई, ये देखिए। और हम लोग आ गए माँ बेटे अभी सोने के लिए, अभी नहीं सोएंगे, थोड़ा सा फोन देखेंगे मैं और बाबू, उसके बाद हम लोग सोएंगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। बाबू क्या कर रहे हो, कान छोड़ दो, मम्मा का कान छोड़ दो। नहीं तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करना चाहेंगे, तो मिलते हैं किसी और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, दिन में या रात को, वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ कुछ नया दिखाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग मतलब कोई भी, मैं भी अगर नया कुछ नहीं होगा तो मैं नहीं देखूंगी, मेरे फायदे के लिए नहीं होगा तो मैं नहीं देखूंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। क्या बोला तूने? ये एंटरटेन करने के लिए और हंसाने के लिए और कुछ नया देने के लिए। अच्छा तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा जरूर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी, और दोस्तों मुझे अपने दुआ में याद रखिए। और अभी रात है, तो रात का वक्त है, अभी 11 बजे थोड़ा ऊपर हुआ है, तो अभी के लिए दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा छूट जाए तो मुझसे उड़ जाएगा